वो है आपका, हेलो। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि जो मेटलर्जी होता है, तो मेटलर्जी में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मिनरल लेते हैं। मिनरल से उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी को हम निकालेंगे, उसे हम कहते हैं ओर। ओर को हम चेंज करते हैं पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में अगर हम ओर को करते हैं तो इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं। पहला होता है क्रशिंग एंड दूसरा सेकेंड वन इज ग्राइंडिंग। क्रशिंग का मतलब होता है पहले से स्मॉल पीसेस में तोड़ दो, स्मॉल पीस में, तो उसे कहते हैं क्रश कर दिया। उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में ले आओ, उसे कहते हैं ग्राइंडिंग। स्मॉल मतलब इसको स्मॉल पीसेस को पाउडर फॉर्म में चेंज करना, तो ये प्रोसेस से पाउडर में होता है चेंज। इसके बाद यहां से हम इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन होता है या बेनिफेक्शन होता है या ड्रेसिंग होता है, इसके कई नाम में। ड्रेसिंग हो गया, या फिर इसको कहते हैं बेनिफेक्शन, बेनिफिट से बना है, बेनिफेक्शन ऑफ ओर। तो इसके लिए हमें चार मेथड यूज करने हैं। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक हो गया, ग्रेविटी हो गया। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और फोर्थ वन आता है इसमें लीचिंग, लीचिंग। इसके बाद जो लीचिंग होता है ये केमिकल मेथड है, और बाकी जो फर्स्ट तीन होते हैं वो होते हैं आपके पास, ये जो फर्स्ट के तीन होते हैं ये है आपके पास फिजिकल मेथड। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद फिजिकल और केमिकल हो गया, अब हम क्या करेंगे, इससे कन्वर्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड से चेंज करेंगे हम मेटल ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए दो मेथड है, फर्स्ट इज कैल्सिनेशन और सेकंड इज रोस्टिंग। ध्यान रखना लीचिंग यहाँ पे हम तीन एलिमेंट पे करते हैं, एक एल्युमिनियम पे करते हैं एल्युमिनिया, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि लीचिंग एल्युमिनियम के अलावा, एल्युमिनिया होता है ये बॉक्साइड है, बॉक्साइड से एल्युमिनिया को निकालते हैं, उसके अलावा किसके लिए यूज होता है, गोल्ड एंड एल्युमिनियम के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए। कंसंट्रेटेड से मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को रिफाइन करेंगे तो बन जाता है प्योर मेटल। ठीक है, तो ये कल मैंने आपको पूरी सीरीज बताई थी, तो आज हम कवर अप करेंगे यहाँ तक जहाँ तक भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट मिनरल किसे कहते हैं, तो मिनरल का मतलब होता है द सबस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो भी अर्थ क्रस्ट में होगा वो हमारे, वो क्या होगा, मिनरल होगा। और क्या होता है, और होता है कि द सबस्टेंस फ्रॉम विच द प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली, उसे कहेंगे ओर। प्योर मेटल को हम जिससे इकोनॉमिकली निकालते, प्रॉफिटेबली निकालते, ध्यान रखना इसमें प्रॉफिटेबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक्सट्रैक्शन किया और प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस एक्सट्रैक्शन का कोई फायदा नहीं है, तो उसमें प्रॉफिट होना जरूरी है। तो प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंसली मतलब आपको दिक्कत ना आए, या बहुत मुश्किल से आप करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने का। कन्वीनियंसली फॉर प्रॉफिटेबली, जब आप प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो किससे, फ्रॉम ओर, तो उसे कहते हैं फ्रॉम सॉरी मिनरल, उसे कहेंगे ओर। यानी जिस सब्सटेंस से प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, उसे कहेंगे ओर। ओर के बाद आता है गैंग। गैंग कहते हैं कि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है मिनरल्स में,
उसको हम यहाँ पे गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। और फोर्थ है मेटलर्जी। जो मेटलर्जी होती है, तो मेटलर्जी प्रोसेस होती है। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी? जिसमें हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। किससे? उसके ओर से। उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। यानी जो भी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब मेटलर्जी के अंडर में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। स्टेप फर्स्ट में क्या, देखो पहले आपने मिनरल लाए, मिनरल से हैंड पिकिंग करी, कुछ उसकी मटेरियल को निकाल के ओर बना दिया आपने। अब ओर से और पाउडर ओर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? टू प्रोसेस करनी पड़ेगी इसमें। टू प्रोसेस, पहला भी बताया था आपको, क्रशिंग। क्रशिंग होता है, और सेकंड होता है इसमें ग्राइंडिंग। तो किसी भी ओर को हमने पहले दो स्टेप में ले जाना है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इस ओर को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रशिंग। और फिर स्मॉल पीसेस जब आप इसके बन जाते हैं, तो स्मॉल पीस से उसको किस में कन्वर्ट करना है? पाउडर फॉर्म में। तो जब आप स्मॉल पीस से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसे कहते हैं ग्राइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाउडर्ड ओर मिल गया। पाउडर ओर ही चाहिए, इसमें ध्यान रखना है, पाउडर ओर करना पड़ता है हमें। तो इसका पहला स्टेप यही है मेटलर्जी का, कि हमें ओर से पाउडर ओर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इसको दोनों को मिला के कहते हैं पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन मीन्स क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो कई बार ये वर्ड भी लिखा होता है, पल्वेराइजेशन मीन्स क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये पहला स्टेप हमारा खत्म होता है। इसमें किसी को कोई डाउट? पहला स्टेप में। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हम ओर से क्या करते हैं, इंप्योरिटी को या गैंग पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। गैंग को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर। अगर ओर से आप क्या करोगे, इंप्योरिटी को निकालेंगे, तो इंप्योरिटी को हम यहाँ पे कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स या गैंग को हम ओर से रिमूव करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ऑफ ओर, तो ड्रेसिंग का मतलब भी वही हुआ, या फिर बेनिफिक्शन ऑफ ओफ, तीनों का एक ही मतलब है। तो इसके लिए हमारे पास फोर मेथड थे, तो हम वन बाय वन इस मेथड को स्टडी करेंगे। पहला मेथड इसमें आता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन का एक और नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर से वॉश करना उसे। तो हाइड्रा मतलब वाटर, तो वाटर से वॉश करना होता है। ठीक है, या लिक्विशन, तीन नाम है इसके। तो तीनों में से सबसे ज्यादा जो फेमस नाम है वो सेकंड वाला है, हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको ज्यादा कहते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन भी कहीं पे आ जाता है, ये बहुत कम होता है, लिक्विशन वगैरह जो यूज होता है। ठीक है, लेविगेशन। लेविगेशन तो ये आपका बहुत कम यूज होता है, लेकिन नाम कुछ भी दे सकता है वो। अब हमें स्टार्ट करना है कि ये है क्या। तो इसमें प्रिंसिपल इसका मेन है, पहले प्रिंसिपल। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? तो जो ये दोनों बेस्ड होते हैं, ये होते हैं डिफरेंस इन डेंसिटी। डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी, या इसी को ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटी ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड गैंग पार्टिकल। यानी जो इम्प्योरिटी होती है और
जो ओर पार्टिकल होते हैं उसमें डेंसिटी का डिफरेंस होता है या ग्रेविटी का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना इसको, प्रिंसिपल क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें डेंसिटी या ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कभी भी जो गैंग होगा वो क्या होगा, लाइटर होगा, हल्का होगा, और जो ओर पार्टिकल्स होंगे ये हैवी होंगे। ओर पार्टिकल हैवी होंगे, मेटल वगैरह, और जो गैंग या इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे लाइटर होगी। इस चीज का ध्यान रखना, उसके लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन यूज कर रहे हैं। डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल या इम्प्योरिटी। तो ये समझ में आ गया पहले आपको प्रिंसिपल किस चीज के लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, जिसकी डेंसिटी डिफरेंस होगी, एक की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, एक की कम होनी चाहिए। तो ओर हैवी होना चाहिए यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, गैंग हल्का होना चाहिए, लाइटर मींस इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया सबको, बताओ यस नो? रिप्लाई करो चैट बॉक्स पे, या ये आया या दोबारा बताना इसे। ओके हेमंत, तो ये हो गया है पहला, ठीक है। अब इसमें देखो प्रोसीजर क्या है, इसकी होता क्या है, इसे कैसे करते हैं। देखो प्रोसीजर डायग्राम सबके अलग अलग बनते हैं। सपोज आपने ये ले लिया है इस तरीके से, कई बार अलग अलग तरीके से दिखाया होता है। अब क्या करते हैं, देखो पहले स्टेप में कह रहा हूं मैं, स्टेप फर्स्ट में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, पाउडर्ड पाउडर्ड ओर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो, इसको मैं दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, ये है, यहाँ पे मैंने ले लिया पाउडर्ड ओर, पाउडर ओर ले लिया। अब क्या करूंगा मैं, अब इससे मैंने क्या करना है, फास्ट मूविंग वाटर पार्टिकल्स को इससे पास कराना है, वाटर को इससे पास करा दो। अब क्या होगा, देखो आपने यहां से पाइप लिया या कुछ चीज लिया और उससे क्या किया, वाटर को बहुत फ्लो से यहां इसमें डाला, क्या होगा बता सकता है कोई? हाइड्रो का मतलब वाटर, इसीलिए वाटर की बात कर रहे हैं हम। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब वाटर से वॉश करना, हाइड्रा मतलब वाटर होता है, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, वाटर से वॉशिंग कर दी। अब यहाँ पे आपने सेकंड स्टेप में वाटर बहुत तेजी से डालोगे तो क्या होगा, अब ये सब पाउडर फॉर्म में, तो कौन सी चीज निकल जाएगी और कौन सी वहीं पे रह जाएगी, कोई बता सकता है? ओर है एक और एक है गैंग, तो कौन सी चीज है जो पानी के साथ बाहर हो जाएगी, कोई बता सकता है? ओर या गैंग? श्रुति सही कहा है और हेमंत राइट है, इसके अलावा इसमें क्या होगा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था कि जो ओर होगा मतलब सॉरी गैंग होगा, इंप्यूरिटी होगी वो हल्की होगी, तो पानी के साथ क्या होगी, बह जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो लाइटर है, लाइटर पार्टिकल होते हैं या गैंग पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होंगे, वाटर के साथ बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ये किसके साथ मूव हो जाएंगे, विद वाटर, वाटर के साथ साथ ये भी फ्लो कर जाएंगे बाहर, ये यहां से निकलेंगे तो वाटर के साथ ये भी क्या होते जाएंगे, यहां से अलग अलग यहां से निकल जाएंगे बाहर। और कौन सी चीज यहीं रह जाएगी, लीविंग बिहाइंड, कौन सी चीज है जो यहीं पे रह जाएगी, ओर। क्यों, क्योंकि ओर हैवी है। तो वाटर, जैसे आप मेटल में पानी डालोगे तो कुछ नहीं होने का, लेकिन जो कंकड़ पत्थर होते हैं, मिट्टी होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पानी के साथ क्या होती है, फ्लो कर जाती है। और जो हैवी होता है मेटल वगैरह, ये क्या होगा, इस पे पानी का कुछ असर नहीं होगा, तो ये यहीं रुक जाएंगे। जैसे मेटल है ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ इसमें रुक जाएगी, या इसमें जो खांचे बने हुए हैं इसमें रुक जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी होती है वो वाटर के साथ फ्लो कर जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने
हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रो का मतलब वाटर से है, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है इसका मतलब वाटर से वॉश करना है, तो फास्ट मूविंग होना चाहिए ताकि उसको क्या करे, बहा के ले जाए। और इम्प्योरिटी और गैंग पार्टिकल्स वाटर के साथ निकल जाएंगे और क्या चीज वहीं रह जाएगी, और वहीं पे रह जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो वॉश अवे हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन, उसी में सेटल डाउन हो जाएंगे। और जो लाइटर होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, वॉश अवे विद वाटर, ठीक है। तो लाइटर क्या है, यहाँ पे गैंग है, जो इम्प्योरिटी है वो लाइटर है, और हैवी कौन है, ओर है। तो इस तरीके से ये मेथड काम करता है। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ, यस नो। जैसे हमने स्टीम ऑफ लाइट, स्टीम ऑफ वाटर यानी फास्ट मूविंग स्टीम ऑफ वाटर को पास आउट करेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाएगी, और जो ओर है वो क्या होगा, वहीं सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के एलिमेंट को हम यूज करते हैं, तो इसमें जो एग्जांपल है इसमें जनरली ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, ध्यान रखना। इसमें जो हम मेथड को यूज करेंगे वो ऑक्साइड होगा और कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड एंड कार्बोनेट को हम इस मेथड के लिए यूज करेंगे, ध्यान रखना। ये भी पूछ लेता है कई बार, जैसे मैंने कहा आयरन ऑक्साइड है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट है, तो ये ऑक्साइड है, तो आप जैसे ही देखोगे ऑक्साइड है तो इसमें हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो कोई भी ऑक्साइड या जनरली कार्बोनेट जो भी होगा उसमें हम इस मेथड को यूज करेंगे। तो ये पहला मेथड आपका फिनिश होता है। इसमें किसको कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो जो इसका प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होगा कि डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग या इम्प्योरिटी। जो गैंग होता है या इम्प्योरिटी होता है और जो ओर पार्टिकल होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उसका डिफरेंस होता है। यानी कि अगर ओर है जो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो इम्प्योरिटी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी, और अगर ओर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता तो इम्प्योरिटी क्या होगी, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी। इन दोनों में से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और दूसरा नहीं करेगा, यानी डिफरेंस है। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से शो करेगा यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे, यानी उसमें आयरन होना चाहिए, सीधी सी बात है, चाहे वो ओर में हो चाहे गैंग में हो, क्योंकि आयरन मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो आयरन वाले जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो इसके हो जाएंगे। अब इसका देखो प्रोसीजर क्या होगा मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू रोलर को ले लेते हैं। टू रोलर, रोलर जानते होंगे आप लोग, रोलर इस तरीके से बन जाता है, ये वन टू, ये दो रोलर लिए हमने पहले। फिर क्या करेंगे, देखो ये रोलर बना देता हूं मैं इसे। अब इस रोलर से क्या होगा, इसमें जो पहले वाला रोलर है फ्रंट वाला, वो मैग्नेटिक होना चाहिए, ध्यान रखना। फ्रंट वाला जो रोलर है वो कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक, और जो बैक वाला है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ये नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, एक मैग्नेटिक दूसरा
नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर देंगे एक बेल्ट से, ये एक बेल्ट इसके ऊपर से लगा देंगे। तो हमने दोनों रोलर को क्या किया, कनेक्ट कर दिया बेल्ट से, कनेक्ट करेंगे बेल्ट से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, देखो यहां से एक फनल लगा होता है, यहां से हम पाउडर ओर को डालेंगे, पाउडर्ड ओर को इसमें डाला। तो फोर्थ पॉइंट क्या किया गया, क्या किया हमने, ड्रॉप किया यहाँ पे पाउडर्ड ओर को, पाउडर ओर को इसमें डाल दिया। ठीक है, अब डालने से क्या हो जाएगा, डालने से ये जो पाउडर ओर आपने यहां से डाला था, ये क्या होगा, ये यहां से मूव करने लगे, क्योंकि ये रोल कर रहा है, ये घूमता जा रहा है। रोलर का मतलब जो रोल करता है, ये कंटिन्यूअसली रोल कर रहा है, घूमता जा रहा है। तो जैसे ही आपने इसमें डाला, अब आपको क्या मिलेगा यहां से, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में है, तो यू गेट टू कलेक्शन, आपको दो कलेक्शन मिलेंगे। ठीक है, टू कलेक्शन, कौन कौन से कलेक्शन होंगे, देखो फर्स्ट है जो आपको मिलेगा यहां से इस साइड में, एक कलेक्शन होगा जो यहां मिलेगा, दूसरा जो कलेक्शन होगा वो मिलेगा आपको इधर, यानी बिलो द रोलर, एक मिलेगा फॉर द रोलर और एक होगा बिलो द रोलर। तो दो कलेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक कहाँ पे होगा, फॉर द रोलर, रोलर के दूर होगा, और एक होगा बिलो द रोलर। अब आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से मैग्नेटिक वाला कौन सा होगा, ये वन और ये टू, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला कौन सा होगा, वन या टू, रिप्लाई करके बताओ मुझे। हाँ, श्रुति राइट आंसर है और हेमंत राइट आंसर है, इसके अलावा अंबिका, सुमित, तो इसका आंसर देखो है जो बिलो द रोलर होगा ये मैग्नेटिक वाला होगा, ध्यान रखना बिलो द रोलर कैसा होगा, मैग्नेटिक वाला। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर है, देखो मैंने आपको कहा था फ्रंट वाला, फ्रंट वाला मैग्नेट वाला है, तो ये मैग्नेटिक रोलर है आपके पास, और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है। अब जैसे ही आप रिवॉल्व करोगे कि जो यहां तक, तो क्या ये मैग्नेट से कनेक्ट होगा, यहां तक देखो ये मैग्नेट से कनेक्ट होगा, यहां से मैग्नेट इससे हट जा रहा है, तो ये नीचे गिर जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे जो होगा वो मैग्नेट वाला होगा, और जो दूर गिरेगा इसको मैग्नेट से कोई मतलब नहीं है, यानी ये वाली जो होगी ये होगा नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, या जो भी होगा ओर होगा या इम्प्योरिटी होगी। तो जो भी दूर गिरेगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा, और जो बिलो गिरेगा वो मैग्नेटिक होगा। क्यों गिरेगा ये, क्योंकि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ तक आते आते मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से इसका अटैचमेंट मैग्नेट से हट जाएगा, तो इसीलिए नीचे गिर जाएगा यहाँ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है आप, मैग्नेटिक सेपरेशन, कोई डाउट। दो टू रोलर लेने हमने, फ्रंट वाला मैग्नेटिक होगा, जो सेकंड वाला होगा ये नॉन मैग्नेटिक है। उसके बाद हमने रोलर को, दोनों रोलर को क्या करना है, एक बेल्ट से कनेक्ट कर दिया आपने। बेल्ट से कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें पाउडर ओर को डालना है हमने। पाउडर ओर को डालने से क्या होगा, हमें दो कलेक्शन मिलेंगे, एक होगा फॉर द रोलर और एक होता है बिलो द रोलर। जो फॉर द रोलर होगा वो हर हमेशा क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा, और जो बिलो द रोलर होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक होगा। इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। क्या बात, सुस्त सुस्त से नजर आ रहे हो आप, कोई रिप्लाई नहीं। देखो इसमें क्या है आपके पास, कि एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, और हम लोग क्या है एग्जाम्पल को कभी याद नहीं करते, प्रोसेस याद कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल को याद नहीं करते, और क्वेश्चन में एग्जाम्पल को ज्यादा पूछ लेता है वो। तो इसमें है क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर आगे भी पढ़ोगे आप डी ब्लॉक में, इसे कहते हैं FeCr2O4 या FeOCr2O3, ये होता है क्रोमाइट ओर जिसमें आयरन होगा। देखो एक आयरन वाली इंप्योरिटी ले ली आपने और एक बिना आयरन वाली, तो आयरन वाला मैग्नेट से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसी इसमें है हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है Fe2O3, फिर है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट का क्या होता है Fe3O4, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रोमाइट, जो भी आयरन वाला होगा वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये याद रखना है। सेकंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये दो हो गए। अब जो इसके लास्ट के दो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट टू हैं इससे क्वेश्चन कम आता है, और जो सेकंड के जो दो हैं इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है? देखो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल में क्या होगा, देखो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी डिफरेंस होता है, या एक वेट हो जाता है दूसरा वेट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं वेटेबिलिटी डिफरेंस, डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल एंड इम्प्यूरिटीज विद वाटर एंड ऑयल। अब इसमें क्या होता है, देखो जब भी आप ऑयल को डालोगे वाटर को रखोगे तो एक चीज एक में वेट हो जाएगी और एक नहीं होती, जैसे मैंने कहा ओर पार्टिकल, तो यहाँ पे हम जनरली सल्फाइड ओर लेते हैं, बस ये जनरली सल्फाइड ओर के लिए वैलिड होता है। तो सल्फाइड ओर होता है जो ये किससे वेट हो जाता है, ऑयल से ऑलवेज, और इससे वेट होने के बाद क्या होता है ये लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। हल्का होगा तो कहाँ चले जाता है, फ्रॉथ इसका झाग बन जाता है। और दूसरा है यहाँ पे इम्प्योरिटी, तो जो इम्प्योरिटी होती है वो किससे वेट हो जाएगी, इम्प्योरिटी वेट होती है वाटर से, और वाटर से वेट होने के बाद क्या होती है ये हैवी हो जाती है, और हैवी होने से क्या होती है ये बॉटम में चली जाती है, सेटल डाउन, हैवी हो जाती है तो सेटल डाउन हो जाएगी, बॉटम में चली जाएगी। तो ये चीज किसके साथ है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के साथ, और ये केवल सल्फाइड और आवाज आ रही है अब? ये जो आपको बताया था मैंने ये समझ में आया आपको? ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है यहां तक समझ में आया आपको, या दोबारा रिपीट करूं इसे? बताओ, रिपीट करना है, देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस,
फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, बहुत ध्यान से रखना कि इसमें प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है डिफरेंस इन, क्योंकि जब डिफरेंस होगा तभी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी मतलब वेट होना, वेटेबिलिटी होने की होने में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल, ओर के जो पार्टिकल हैं और जो इम्प्योरिटी है, इसमें क्या होगा डिफरेंस होगा वेट होने में, किसके साथ, वाटर के साथ। और एक ऑयल हम इसमें मिक्सअप करते हैं, पाइन पाइन ऑयल, ऑयल और वाटर के साथ इम्प्योरिटी और ओर पार्टिकल्स वेट अलग अलग होंगे, तो वेटेबिलिटी का डिफरेंस हो गया, उसी को हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें जनरली जो सल्फाइड ओर है वो किससे वेट हो जाता है, ऑयल से, और ऑयल से वेट होने के बाद क्या होगा, हल्का, देखो आप कोई भी चीज को ऑयल के साथ वेट करोगे, ऑयल क्या होता है सरफेस में चले जाता है, तो ऑयल जो होता है यहाँ पे वो इस सल्फाइड ऑयल को वेट करके उसे हल्का बना देता है, लाइटर, और लाइटर बनने के बाद क्या होता है, ये हल्का जैसे होगा ये फ्रॉथ में चले जाता है, झाग में, तो इसीलिए इसका नाम रखा है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और जो इसमें इंप्योरिटी होती है, गैंग पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किससे वेट हो जाते हैं, वाटर से। तो वाटर कोई भी चीज को क्या करता है, हैवी कर देता है, तो वाटर की वजह से क्या होगा, ये हैवी हो जाएगा, और हैवी पार्टिकल्स होगा तो ये कहाँ चले जाएगा, बॉटम में, तो ये बॉटम में चले जाएगा। तो कौन चले जाएगा बॉटम में, इंप्योरिटी, और फ्रॉथ में कौन जाएगा, सल्फाइड ओर। क्यों जाएगा, क्योंकि एक है जो ऑयल है वो सल्फाइड ओर के साथ वेट होता है, वाटर ध्यान रखना सल्फाइड के साथ वेट नहीं होगा, ध्यान रखना इसमें यही डिफरेंस है, सल्फाइड ओर है ये वाटर के साथ वेट नहीं होगा, इम्प्योरिटी ऑयल के साथ वेट नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने कहा वेटेबिलिटी डिफरेंस है, एक एक के साथ वेट होगा दूसरे के साथ वेट नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं वेटेबिलिटी डिफरेंस। तो वेटेबिलिटी डिफरेंस होगा किसके किसके बीच में, सल्फाइड ओर एंड इम्प्योरिटी के बीच में, यही इसका प्रिंसिपल हो गया, डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी विथ वाटर एंड पाइन ऑयल, इसे कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सल्फाइड ओर। हाँ बताओ कुछ कह रहे हो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब या इसको एक बार रिपीट करूं, और अभी नेटवर्क इश्यू रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि नेटवर्क है नहीं, मोबाइल का नेटवर्क यूज हो रहा है, तो ये आ गया होगा मेरे ख्याल से क्लास 9th में भी था ये। अब देखो इसकी प्रोसीजर क्या क्या है, ओके आ गया, अब देखो इसकी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या क्या करना है आपने, प्रोसीजर आपने पहले टैंक उठा के लाना है मार्केट से, बड़ा सा टैंक लिया उठा के, ठीक है, पाउडर्ड ओर प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल, इसमें सब डाल दो, डाल दिए। अब इसमें रोटेटर लगा दो, रोटेटर हो गया इस तरीके से, दिखा देते हैं हम इसे ऐसे, इसको दूसरा कलर से दिखाते हैं, ये दिखा देंगे हम इसे 1
ऐसे पंखुड़ी बना दो इसकी, और इसको बीच से ऐसे गैप दिखा दो। गैप से क्या फायदा होगा? गैप का मतलब हुआ कि यहां से एयर पास हो रही है, जिससे क्या होगा, झाग ज्यादा बनेगा। देखो एयर जितनी अंदर घुसेगी इसके अंदर, उतना क्या होगा, झाग ज्यादा बनेगा। तो रोटेटर है, जो रोटेटर हमने इसमें फिट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें और क्या क्या चीजें डालते हैं, देखो जो पाइन ऑयल होता है उसका मेन काम क्या होता है, फ्रोथिंग एजेंट होता है, यानी वो फ्रोथ बनाने के काम करता है, फ्रोथिंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या चीज मिक्स करते हैं हम, देखो कलेक्टर हम इसमें मिक्स कर देते हैं, कलेक्टर, कलेक्टर होता है यहाँ पे सोडियम इथाइल, सोडियम इथाइल जेंथेट, याद रखना इसके नाम, कई बार वो इसी को पूछ लेता है कि सोडियम इथाइल जेंथेट क्या है, या कलेक्टर हम किसको डालते हैं, कलेक्टर सोडियम इथाइल जेंथेट। उसके बाद होता है फ्रॉथ स्टेबलाइजर, फ्रॉथ स्टेबलाइजर यानी कि जो फ्रॉथ को क्या करेगा, स्टेबल करके रखेगा, स्टेबलाइजर। ये होता है आपके पास फिनॉल, क्रिसॉल या एनिलीन, बुक में एनिलीन ज्यादा लिखा होता है, ठीक है। तो अब इन सबके रोल अलग अलग है, मतलब आपने पाइन ऑयल तो डाला था, रोटेटर लगा दिया, उसके बाद फिर उसमें कलेक्टर मिला देते हैं, सोडियम इथाइल जेंथेट या पोटेशियम इथाइल जेंथेट, फिर फ्रॉथ स्टेबलाइजर मिला दिया इसमें, इनमें से एक को मिला दो, किसी को भी, एनिलीन या क्रिसोल या फिनोल, ठीक है। अब इनका रोल क्या है, क्वेश्चन में ये आता है इनका रोल क्या है। देखो पहला पाइन ऑयल का रोल क्या है, पाइन ऑयल का रोल क्या है, फ्रॉथिंग एजेंट यानी फ्रॉथ बनाने के लिए कौन सा एजेंट यूज होगा, पाइन ऑयल जो फ्रॉथ बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, पाइन ऑयल की वजह से, यानी जो फ्रॉथ बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, पाइन ऑयल की वजह से, इसीलिए से कहते हैं फ्रॉथिंग एजेंट, ठीक है। तो पाइन ऑयल का रोल क्या है कि वो क्या बनाएगा, टू फॉर्म फ्रोथ, फ्रोथ को बना